हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन विद स्काई हाई इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का जो अपना आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन है सर, उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका 20th को मैथ्स का एग्जाम है, राइट? और ये जो 20th को मैथ्स का एग्जाम है, उस मैथ्स का एग्जाम को कैसे इजियर बनाया जाए, राइट? डरना नहीं है सर, मैथ्स का एग्जाम को इजी बनाने के लिए और इजी वे से कैसे हम अपना जो होता है सारे सम्स को अटेम्प्ट करें, मैथ्स फोबिया ना हो एग्जाम हॉल में, उस तरीके का जो होता है आज जो होता है पोर्शंस को करवाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। सबसे पहली बात, आप पहले ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका 2020 का सॉरी आपका जो 2023 का जो मैथ्स का जो एग्जामिनेशन होगा वो सर सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ, राइट? और चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस ये हुआ सर कि इससे पहले जो भी आपका आता था, जो भी जिस तरह का भी आता था सर, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है? इससे पहले आपका जो भी आता था वो आपका 80+20 आता था, राइट? 80+20 मैथ का एग्जाम में जो भी आपका सिलेबस जो था सर पहले, वो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता था और 80 मार्क्स का एग्जाम अभी भी हो रहा है और उस 80 मार्क्स का एग्जाम में 60+20 था, ठीक है? और ये आपका ईयर जो होता है सर अप टू, अगर हम बात करें सर कोविड-19 का पहले सर हुआ है, लाइक आपका 2020 तक हुआ है, 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ, 2022 में सेमेस्टर वाइज हुआ, राइट? और आज लाइक जो आपका पोर्शन जो करवा रहा हूं वो 80 मार्क्स का एग्जाम सर अब आ गया है 65+15, राइट? ये 65+15 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स जो है वो सर स्टैट्स पोर्शन से है। क्या पोर्शन से है सर? स्टैट्स पोर्शन से, जिसमें आपका स्टैट्स पोर्शन में क्या क्या रहेगा? सिंपली आपका सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स टॉपिक, और उसके बाद सर रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक, राइट? और ये 65 मार्क्स का एग्जाम आपका प्योर मैथ्स होगा। क्या होगा सर? प्योर मैथमेटिक्स, राइट? और ये प्योर मैथमेटिक्स में अगर मैं बात बोलूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको करवाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है सर, आई नो दैट कि आप 15 मार्क्स का जो टॉपिक है जो आईएससी वालों को, उसके लिए सर 15 मार्क्स का टॉपिक बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ भी नहीं है सर, ये तो आप लोग आराम से लगा लोगे सब। लेकिन हमारा जो मेन है सर, ये 65 मार्क्स जो है उसमें 15 मार्क्स तो सर आप एमसीक्यू कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 15 मार्क्स एमसीक्यू, 15 मार्क्स एमसीक्यू में देयर इज नो मदर एंड फादर, आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चंस में भी आपको बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया, आप इस 15 मार्क्स को अच्छे से कवर करने के लिए, आप अच्छे से कवर करने के लिए सर मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ लीजिएगा, डिटरमिनेंट टॉपिक पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, उसके बाद सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपका मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो होता है इसमें आएगा और थोड़ा टिपिकल टिपिकल तरीके से भी आ सकता है सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपका जो बात जो कर रहा हूं सर, अब आपका मेन जो है सर, ये 15 मार्क्स के एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो आएगा, जैसे 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो आज हम लोग चलेंगे सर डेरिवेटिव्स टॉपिक से। किस टॉपिक से सर? डेरिवेटिव्स। और आपको पता है सर डेरिवेटिव्स टॉपिक में मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपका डेरिवेटिव, जितने भी आप लोग की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हो, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस ऑन आपका डेरिवेटिव्स भी जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर ये 4 मार्क्स जो होता है सर वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आज इंपॉर्टेंस देने वाला हूं वो आपको डेफिनेटली हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंगली मी डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है? और ये 4 मार्क्स का सर डेरिवेटिव से जो टॉपिक आएगा वो आपका फर्स्ट ऑर्डर, तो समझ लीजिए कि थोड़ा कम चांसेस है फर्स्ट ऑर्डर का, मोस्टली जो चांसेस होता है सर वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। किस ऑर्डर डेरिवेटिव का सर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है क्वेश्चन जो है आपको करवा रहा हूं, वेट थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, आराम से सब चीज खेलेंगे सर। एग्जाम में किस तरह से मैथ्स को आपको इजी बनाया जाता है आज मैं आपको वो डेफिनेटली आपको वो सिखा करके ही रहूंगा, क्वेश्चंस भी करवा करके रहूंगा, इट्स डजंट मैटर, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको क्वेश्चंस में
करवा रहा हूं डेरिवेटिव से, वो देखिएगा ध्यान से देखिएगा। डेरिवेटिव में आपको शॉर्ट से टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का अगर बोलूं, इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दूंगा सर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है सर, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। अकॉर्डिंगली में अगर ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन सर पूछा नहीं है सर, ठीक है, पूछा भी होगा तो बहुत साल पहले पूछा होगा, बट इस बार आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी जाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है जिसमें ये क्वेश्चन आता, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन है, प्रूफ करने बोला सर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन, दिस इज साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। हमारा काम सबसे पहले सर वाई इज इक्वल्स टू जो दिया हुआ एलएचएस से होगा, और इस एलएचएस में क्या है सर, वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ऑल राइट सर। डीवाई बाई डी एक्स का क्या होगा, अगर मैं बात करूं डीवाई बाई डी एक्स, ये आपका होगा सर यू इंटू वी मेथड, एक्स कॉन्स्टेंट, साइन ए प्लस वाई का डायरेक्ट कितना होता सर कॉस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, ये यू इंटू वी मेथड, यू कॉन्स्टेंट, वी का डेरिवेटिव, कॉस ए प्लस वाई इसका हो गया, फिर सर ए प्लस वाई का फर्दर डेरिवेटिव डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का तो सर जीरो होगा बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स, राइट। और प्लस सर ये वाला साइन ए प्लस वाई को आप कॉन्स्टेंट रखिए, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव वन, ऑलराइट। अब देखो सर ये जो डीवाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन है, नेक्स्ट स्टेप में जो अगर हम बात करें सर डीवाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन को आप एक साइड एलएचएस में ले लीजिए, डीवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचेगा क्या अपना सर, ओनली साइन ए प्लस वाई, कहानी खत्म है सर, यही पे कहानी खत्म है। डीवाई बाई डी एक्स को अब क्या लेना है सर, कॉमन लेना है बिकॉज आपको ये डीवाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली में थोड़ा समझिए सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है सर, इज इक्वल टू कितना आया सर साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल क्या गया, ये मल्टीप्लाई में है ये पूरा पोर्शन, अब ये पूरा को थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई में आने के बाद सर ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। आप यहां तक कर लोगे मेरे को बता सर, डेफिनेटली आप यहां तक कर लोगे, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, यहां तक आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसके बाद आप हो सकता है कि इस स्टेप में आप जो होता है वहां पर कंफ्यूज हो कि आप आगे करें क्या, देखो अगर आप प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो सर, प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, व्हाट वी नीड टू प्रूव, फर्स्टली ये कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि अपने को क्या प्रूव करना है। अपने को बोला सर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए प्लस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। तो साइन ए प्लस वाई अपना डीवाई बाई डी एक्स आया कितना सर साइन ए प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारा सर ऊपर में है क्या साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो अगर आप न्यूमरेटर को अगर देखें तो सर ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, प्रूविंग तो यही दिया था, इसको हम लोग क्या करेंगे सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए प्लस वाई से, मल्टीप्लाई कर रहे आता ही होगा, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं बिकॉज आप लोग क्लास 12 में हो, समझाने या कोई दिक्कत नहीं है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वन से, ये आएगा अपना साइन ए प्लस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब देखिए सर फाइनली आपका डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई तो है ही, ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई
22 है, ये देखो साइन ए प्लस वाई, ये साइन ए प्लस वाई है। आपने इस क्वेश्चन में देखना है, थोड़ा सा मैं स्लाइड करके आपको बता रहा हूं, वाई का वैल्यू क्या सर, एक्स साइन ए प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या था सर, एक्स साइन ए प्लस वाई। थोड़ा आंसर में जाइए, एक्स साइन ए प्लस वाई को अगर मैं वाई लिखूं तो कोई दिक्कत सर, ये वाई हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, ये वाई हुआ कॉस ए प्लस वाई। अब आप देख सकते हो सर, व्हाट वी नीड टू प्रूव, साइन ए प्लस वाई बाय वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई, दिस इज प्रूफ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन सर बनता ही बनता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है सर। डेफिनेटली ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो कभी क्वेश्चन आया नहीं था वैसा क्वेश्चन मैं करवा रहा था, इजीली होगा, दो या तीन मार्क्स का दे देगा, आप देख सकते हो उसमें। अभी मैं आपको करवा रहा हूं सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है। देखिएगा, अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स टाइप का क्वेश्चन अगर करते हो, एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है। जरूरी नहीं है सर कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको पूरा एमएल अग्रवाल को ही जो होता है या कोई सा भी बुक आप जो होता है फॉलो कर रहे हो, उन सारे क्वेश्चंस को जो होता है आपको जो होता है करें प्रैक्टिस। नो सर, मैं जिस तरह का क्वेश्चंस करवा रहा हूं उस तरह का क्वेश्चंस को आप करके जाइए, डेफिनेटली आपका मैथ्स में जो होता है मार्क्स अच्छा आएगा, दिल को अच्छा लगेगा, राइट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा एक बात है सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार मार्क्स का प्रूविंग जैसा ही देगा। ये जो क्वेश्चंस में जो आने वाली है सर वो प्रूविंग टाइप का ही क्वेश्चन आने वाली है। अब प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ का जो था प्रूविंग है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रूविंग आपका क्वेश्चंस है। लेकिन सर ये चार दिन पहले एग्जाम के जस्ट चार दिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारे क्वेश्चंस को करके जाइए, अगर एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन नहीं भी आता हुआ वो डेफिनेटली उस तरीके का ही कुछ क्वेश्चंस आएगा, आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा वादा है सर। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक बात बता रहे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर चार मार्क्स का अगर आप लोग कर रहे हो तो बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर होना पड़ेगा सर, वो ई टू द पावर समथिंग के ऊपर, कैसा क्वेश्चन दे दिया या प्रूविंग टाइप एन स्क्वायर वाई एम स्क्वायर वाई, ऐसा इस तरह से रफ डायग्राम में बता रहा हूं कि इस तरह का ही क्वेश्चन देगा, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि क्या है। सिंपल से देखिए सर, एक क्वेश्चन है सर चार मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सर, इफ y इज इक्वल्स टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर माइनस mx, प्रूव दैट इस तरह का क्वेश्चन है, प्रूव दैट बोला है y2 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू जीरो, वाई टू माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये प्रूव करने बोला है सर। वाई टू का मतलब तो आपको पता ही होगा, वाई टू का मतलब होता है सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका मीनिंग सर आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है सर, और वाई का मतलब आपको पता है कि स्पेशली ये फंक्शन वाई, अगर वाई वन दिया होता तो हम समझ सकते थे सर वो डी वाई बाई डी एक्स के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से देखेगा, बहुत इजी सर का क्वेश्चन है सर, अगर आपने साल भर समझा भी नहीं है तो आज का ये वीडियोस अगर आप देखोगे डेफिनेटली सारा का सारा सम्स आपको समझ में आएगा एकदम नीट एंड क्लियर वे से। हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है सर, सिंस से स्टार्ट करता हूं मैं, सिंस y इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, a इंटू ई टू द पावर mx प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस mx, राइट। ऐसा क्वेश्चन चार मार्क्स अगर आपको सेव करना डेरिवेटिव से, If you are thinking, oh sir, हम लोग जो होता है सर इस डेरिवेटिव पोर्शन को क्विट करेंगे क्योंकि बहुत सारा डेरिवेटिव है कैलकुलस में, बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेरिवेटिव को अगर क्विट कर रहे हो फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि सर क्विट करने से पहले ये वीडियोज देख लो, ये वीडियोज आपके लिए सर इंपॉर्टेंट कुछ जो होता है टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कुछ सम्स को जो होता है मार्क्स दिलाने वाला है सर। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, dy by dx सबसे पहले क्या हुआ बोलिएगा, dy by dx आप लोग अच्छे से जानते हो dy dx क्या हुआ सर, a कांस्टेंट है, साल भर आपने डेरिवेटिव पढ़ा, e का पावर mx का डेरिवेटिव सर एज e का पावर mx,
और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स क्या होगा सर, एम मल्टीप्लाई हो गया सर, कहानी खत्म है। फिर उसके बाद बी कॉन्स्टेंट है, e का पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव e का पावर माइनस एम एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव माइनस एम एक्स ओनली माइनस एम, माइनस एम, दिस इज माइनस एम। नेक्स्ट डीवाई बाई डी एक्स थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं करूं तो ए एम ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम ई टू द पावर माइनस एम एक्स, कहानी खत्म है सर। ए एम ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये आप देख सक रहे हो सर, ए एम ई टू द पावर एम एक्स इंटू सॉरी माइनस बी एम ई टू द पावर माइनस एम एक्स, राइट, ये इज इक्वल टू का साइन है। देखिएगा सर, अब फर्दर डेरिवेटिव आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोला है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए एम आपके पास कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर एम एक्स टू द डेरिवेटिव ई टू द पावर एम एक्स और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स एम व्हाट वी हैव एम माइनस बी एम कॉन्स्टेंट ई टू द पावर माइनस एम एक्स टू द डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम अगेन अगेन अपने को माइनस एम होगा फर्दर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइनली व्हाट वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ये माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला सर आप बताइएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला, कहानी खत्म है इसका, माइनस इंटू माइनस ई टू द पावर एम एक्स आइए ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स डेरिवेटिव ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स ही रहेगा, दिस इज स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस बी एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम एक्स, देखना ध्यान से सर। अब आपके पास आया क्या है, एम स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो सर, कॉमन ले सकते हो, दोनों में एम स्क्वायर है सर, बोलिएगा ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगेन एम स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन लेते हो आपके पास बचता कितना है ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एम एक्स। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा सर, ये ए ई टू द पावर एम एक्स जो है और ये बी ई टू द पावर क्या है सर, माइनस एम एक्स जो है आपके पास क्वेश्चन में है सर, वाई, क्या सर वाई, ध्यान से। तो अपने बहुत ही कॉन्सेंट्रेट तरीके से ये मैंने एम स्क्वायर वाई लगा दिया, एम स्क्वायर वाई लगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप सर, क्वेश्चन अपने आप जो होता है मैं खुद से मेहनत के बल पे डीपी को मैंने क्रिएट कर दिया, हेंस प्रूव हो गया सर, हेंस प्रूव आपके थ्रू प्रूव होगा, ध्यान दीजिएगा आपके थ्रू प्रूव होगा और आप ही इस क्वेश्चन को करोगे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। डेरिवेटिव्स का मैंने अगर मैं बात किया, डेरिवेटिव्स अगर आप लोग साल भर अच्छे से किए होंगे, डेरिवेटिव्स जैसा कोई पानी चैप्टर नहीं है सर, वाटर है, वाटर आपको हर चीज नीट एंड क्लीन वाटर की तरह पार्शियल जो होता दिखाई पड़ेगा, बट इफ यू डोंट हैव प्रैक्टिस ऑन दिस चैप्टर कीप इन योर माइंड दिस चैप्टर एज इट इज चाइनीज लैंग्वेज फॉर यू, सॉरी, क्या आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप क्या लिख पा रहे हो वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने डेरिवेटिव्स नहीं किया। आपका सर कहानी यहीं पर है कि हमने जो होता जो वीडियोस जो बनाया है वो डेरिवेटिव्स टॉपिक का, राइट, डेरिवेटिव्स टॉपिक्स इंटीग्रेशन टॉपिक, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन है, बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स है जो कि इंपॉर्टेंस में आता है, ये तीन या चार मार्क्स का इंपॉर्टेंस में, इसको तो भाई रख ही लो। आई होप आप लोग क्लियर है, देखिएगा सर ध्यान से, यह आपका क्वेश्चन में जो है सर वो ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर क्लियर है, आ रहा बात समझ में, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ये ई टाइप का क्वेश्चन था, ई टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिले ऐसा ही क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए देगा, जब भी ई टाइप का क्वेश्चन दे रहा है एक्सपोनेंशियल जैसा क्वेश्चन, आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा इस तरीके का ही क्वेश्चन मिलेगा और इस तरीके का ही क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक एग्जाम और भी जो होता है सर आपको इंपॉर्टेंट सम्स बता रहा हूं, अब वो किस तरह का है सर वो भी चीज देखिए, लेकर आया हूं आपको फिर से
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड, दिस इज सेकेंड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, आपको सर प्रूफ करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1. प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. देखिए सर, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दो पैटर्न में आपको आता है सर. आपको अगर ये दे दिया है पिछले साल या कहीं और भी कोई भी साल में, तो सर ये वाला भी क्वेश्चन आता है इसी का जैसा, सेम टू सेम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दे दे, x स्क्वायर प्लस y p स्क्वायर दे दे, q स्क्वायर दे दे, आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर के. और ये प्रूव दैट वैसे ही देगा सर, 1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सर दोनों ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में जो होता है आपका एग्जाम में जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन सर वही रहता है, पैटर्न भी वही रहता है, बस आपका फॉर्मेट थोड़ा सा जो होता है, जो आपका वैल्यूज वगैरह जो होता है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है या क्या है, उन सब वैल्यूज को जो होता है क्या करता है सर, चेंज करता है. आप क्वेश्चन देख सकते हो उसमें, मेरा एक ही क्वेश्चन को आपको दो पैटर्न में सिखाया सर, इसको आपको प्रूव करना. ये आपका 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है. तो 3 या 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट में सर आपको करना क्या होगा, आप देखना यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको जस्ट जो कुछ पल में है. y इज इक्वल्स टू आपके पास है क्या सर, log x प्लस अंडर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1, हमारा क्वेश्चन यही है सर. और प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर x dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0. कोई दिक्कत नहीं है सर. आपने dy बाय dx सबसे पहले क्या फाइंड किया बोलिएगा, log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, log something to the derivative 1 by something into further derivative of something. आप इस log x plus under root over x square plus 1 का derivative क्या हो गया सर, simple सी 1 by x plus under root over x square plus 1. Further derivative of this function, this, ये इसका derivative आपका क्या होगा सर, x का derivative तो सब 1 होता है, मैंने यहां 1 लिख दिया, और प्लस रूट फंक्शन का डेरिवेटिव सर 1 by 2 root होता है सर x square plus 1, और x स्क्वायर प्लस 1 का फर्दर डेरिवेटिव मतलब सर फर्दर फर्दर फर्दर, ये तो आपको चलना ही पड़ेगा सर. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सर आपका फर्दर के ऊपर में ही डिपेंड है. आप अगर डेरिवेटिव का कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आपको सर करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव्स. इस तरीके का क्वेश्चन को जो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में इंपॉर्टेंस के लिए बता रहा हूं, मे बी ये क्वेश्चन सर आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है. इस पैटर्न का लॉग फंक्शन, पावर इनवर्स फंक्शन, इस तरीके का ही सेकंड ऑर्डर में 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सर. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फर्दर डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, 2x होगा सर, खत्म, कहानी यहां पर खत्म है सर. dy by dx क्या अपना बनता है, dy by dx 1 by x plus under root over x square plus 1 तो बनता ही है सर, ये 2 से 2 कैंसिल, आपका एलसीएम क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका एलसीएम. यहां पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो गया x, आप देखो कॉर्नर कॉर्नर क्रॉस में कट गया सर, फाइनली dy by dx आपके पास एक छोटा सा चीज बच गया, और वो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी यहां पर भी खत्म है. जब ये हो गया, अब इसको फर्दर आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी लिखो, इंटू dy by dx इज इक्वल टू क्या होना सर, 0 होना है, सॉरी 0 नहीं 1 होना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इतना वो आपका क्या होगा सर, 1 1, ठीक है. अब देखिए, अब इसका u इंटू v मेथड आप करो, अगर आप इसका u इंटू v मेथड करते हो, u को कॉन्स्टेंट देखते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट, dy by dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx को कॉन्स्टेंट, और 1 बाई इसका क्या होगा सर, 2x स्क्वायर प्लस 1 फर्दर 2x इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, 1 का क्या हो गया सर, 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल करने मांगता है. आप देखो सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज है,
प्लस एक्स इंटू ये सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो डीवाई बाई डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ये मल्टीप्लाई होगा डीवाई बाई डी एक्स के साथ। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या मांगता है सर? नेक्स्ट स्टेप जो है सर आप इसका एलसीएम लीजिए कितना होगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से डिवाइड होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में रूट से रूट से मल्टीप्लाई होगा ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका बचेगा एंड रूट रूट कैंसिल हो गया सर एक्स इंटू क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया सर जीरो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ सर इसको आप इधर लेके जाओ सर जब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप उधर लेके जाओगे तो अपना डीपी ऐसे ही क्रिएट हो गया आप देखे एक्स डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया खत्म है सर यही है मतलब डेरिवेटिव्स का नॉलेज में अगर मैं बात करूं सर इस तरीके का ही क्वेश्चंस बोर्ड में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है 4 मार्क्स 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है सर। सेकेंड थिंग एक बात आप अपने दिमाग में रख लो दिमाग में रखो चिल्ड्रन के आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से देगा और वो सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन वाइज अगर आपके पास दिमाग है उसको भी आप कर सकते हो वो बिल्कुल सर आपका जो था फॉर्मूला बेस्ड रहेगा ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव्स का मैंने यहां पर 2-3 सर डेरिवेटिव दिया और भी एक वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको और फर्दर आपका 3-4 डेरिवेटिव आपको करके दिखाऊंगा लेकिन सर आप एक साथ याद रखो आपको डेरिवेटिव अगर करना है सर लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन में आप सोचो कि टैन टाइप का क्वेश्चन ये आपको मोस्टली सर बोर्ड इनको के लिए सर इंपॉर्टेंट रखता है इनवर्स फंक्शन अगर आप लॉग रख रहे हो इनवर्स फंक्शन ई का पावर एम एक्स टाइप क्वेश्चन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस हमको समझ में आ रहा है आप यही करोगे क्वेश्चंस आपको यही करना पड़ेगा 4 मार्क्स जब आपको इंपॉर्टेंट लाना है इंपॉर्टेंट सर आपके लिए एग्जाम में यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करना पड़ेगा सर ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा आपको जो था किस तरह का 4 मार्क्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है करना है सर ठीक है। नेक्स्ट अब जो होता है थोड़ा इंटीग्रेशन से आते हैं इंटीग्रेशन आपने साल भर इंटीग्रेशन किया है कोई दिक्कत नहीं है साल भर आपके पास इंटीग्रेशन का नॉलेज है एवरेज से एवरेज बच्चे को जो था सिखा रहा हूं आप एक्सीलेंट है कोई दिक्कत नहीं है आप एक्सीलेंट हो अपने जगह पर एक्सीलेंट हो एवरेज बच्चों को भी कुछ मार्क्स लाने को दीजिए एवरेज बच्चे लोग के लिए बता रहा हूं सर आप अगर इंटीग्रेशन क्विट करना चाहते हो आपके पास 4 दिन का ही टाइम है अगर मैं एवरेज बच्चों की बात बोलूं आपके पास 4 दिन का ही टाइम है 4 दिन में आप बहुत बड़ा तीर नहीं मारोगे सर आप 4 मार्क्स लाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय सोचोगे करना क्या है आपने घर में प्लान बनाया सर हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन पोर्शन को जो होता है पूरा का पूरा क्विट कर दे मतलब छोड़ दे इंटीग्रेशन छोड़ दे सर आप 4 मार्क्स 8 मार्क्स का इंटीग्रेशन आता है 8 से 12 मार्क्स का जो था पूरा जो था इंटीग्रेशन से जो था क्वेश्चंस रहता है इंडिफरेंट और डिफरेंट को मिला करके आपने सोचा इस पोर्शन को क्विट कर देना ये पोर्शन आप क्विट कर रहे कोई दिक्कत नहीं है आपका मोटिवेशन जो था वहां डिमोटिवेट हो गया हो सकता है एग्जाम फोबिया हो जाए फिर आप आगे कुछ कर ना पाओ आपको सिंपल से एक ट्रिक देता हूं आपने साल भर कोई इंटीग्रेशन ना किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप इस इंटीग्रेशन में आप नॉलेज रखिए सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन का और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मैं बता रहा हूं कुछ प्रॉपर्टी जो आपने किया था प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 4 को आप ज्यादा ही कुछ प्रैक्टिस कीजिए और ये प्रॉपर्टी 4 क्या होता थोड़ा आपको बता देते हैं सर इंटीग्रेशन ऑफ a to b लोअर लिमिट इज a b अपर लिमिट fx dx इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a + b माइनस एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है और इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देगा ही देगा इस बार आपका इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देना ही है प्रॉपर्टी 3 से जो क्वेश्चन हमारा आता था इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b fx dx ये वाला क्वेश्चन सर शॉर्ट सा टाइप क्वेश्चन में रहेगा 2 मार्क्स का 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये वाला रहेगा सर और ये क्वेश्चन अगर रहा तो आइदर 3 या 4 मार्क्स में रहा ये आपका शॉर्ट सा टाइप क्वेश्चन में है
इस क्वेश्चन में मैं एक ही क्वेश्चन को आपको बहुत सारा तरीका दिखाता हूं। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन मैं बोला सर इस बार के लिए 0 टू पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस रूट ओवर 10x dx, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके जाएगा ही जाएगा। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन जो था अगर किसी ईयर में पूछा भी गया है, सर क्वेश्चन सेम रहता है, बच्चे हो, मैच्योरिटी नहीं है आपको, भी दिमाग थोड़ा सा चलाइएगा, हर क्वेश्चन सेम ही रहता, बस फॉर्मेट अलग करके देता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ भी लिया, इस बार आपको क्वेश्चन दे सकता है 0 टू पाई बाई 2, और सर ये क्वेश्चन आपको दे दिया सपोज करो रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कार्यगत है, दोनों का मीनिंग सेम है सर, दोनों का मीनिंग है सेम है, ये आपका 1 बाई 1 प्लस रूट टेन एक्स था और ये प्लस सर आपका रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है। अगर आप देखो कि रूट टेन एक्स को अगर आप बोलो सर रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स उसका एलसीएम रूट कॉस एक्स ऊपर, एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है सर। इस क्वेश्चन का दूसरा ब्रदर आपको दिखा रहा हूं, आपका सर ये भी दे सकता है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, इधर ये क्वेश्चन दे दे या इसके ऊपर रूट दे दे दोनों में या पावर एंड करके दे दे, सबका मीनिंग सेम है और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपका लगभग लगभग बहुत इजीली ही गेट करोगे। दिमाग लगाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होता है सर उसका मैं आज एक क्वेश्चन कराऊंगा, आई होप सो कि ये तीनों क्वेश्चन आप जो अटेम्प्ट करोगे आज, और इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, जो मेरा पहला क्वेश्चन था 1 प्लस रूट टेन एक्स डीएक्स, 1 प्लस रूट टेन एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन 1 बाई 1 प्लस रूट क्या मैंने सर टेन एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स डीएक्स, एलसीएम लोगे आपको पता ही है सर वो ऊपर जाएगा, रूट कॉस एक्स ऊपर चला गया। देखिए सर वही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फॉर्म आकर आया जो मैंने बताया था, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए सर इसमें आप इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हो सर, नेक्स्ट स्टेप ये आई इज इक्वल्स टू है सर, नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी लगाइए सर, ये आपका 0 टू पाई बाई 2 था, सॉरी प्रॉपर्टी में आपको लिखना भूल गया, ये प्रॉपर्टी या लिमिट्स जो होता है लिख करके आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूं, 0 टू पाई बाई 2 है सर, डेफिनेटली आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी 4 बोलता है सर कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू या a टू b एफ एक्स डी एक्स, फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस x डी एक्स के इक्वल होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ये मेरा रूट ओवर कॉस 0 प्लस पाई बाई 2 क्या होता है सर, आप खुद बोलोगे पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 माइनस एक्स रहेगा ही क्योंकि फॉर्मूला में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स दिया सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करूंगा। नीचे सर अगेन जो कॉस है वो सर पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस जो रूट साइन है सर पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स मैंने कर दिया, बहुत ही इजीली कर दिया। अब देखिएगा आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स जो सर वो अपना साइन एक्स में कन्वर्ट होगा। अब ये मत बोलिएगा सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं है, क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इस बेस पे। नीचे सर ये कॉस एक्स है साइन एक्स में कन्वर्ट और प्लस ये साइन एक्स जो होता है वो सर कॉस एक्स में कन्वर्ट, राइट। एक काम करते सर, जहां तक फॉर प्रॉपर्टी नहीं लगाते ये हमारा इक्वेशन 1 है सर, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो फॉर्मेट आया वो इक्वेशन 2 है। अब आपने काम क्या करना है सर, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को कर देना है, तो i प्लस i आपका फाइनली कितना होगा सर 2i, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो i प्लस i, दिस इज i एंड दिस वन इज i, i प्लस i 2i आपको मिला, और सर इसका डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, इसका भी डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है,
डेफिनेटली आपको जो तो मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 डिनोमिनेटर कॉस एक्स रूट में और प्लस रूट में साइन एक्स ही रहेगा। रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, न्यूमिनेटर इसका रूट कॉस एक्स है, क्योंकि रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स कैंसिल हो गया, रूट कॉस एक्स ही इसका न्यूमिनेटर है और प्लस रूट साइन एक्स इसका न्यूमिनेटर में जो होता आएगा एलसीएम लेने के बाद। फाइनली देखो सर ये दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, कैंसिल आउट हुआ, 2i इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 0 टू पाई बाई 2 ओनली dx। अब ये मत बोला dx का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, अगर आप नहीं बोल रहे हो आप 12 में जो होता है बेकार का पढ़ रहे हो सर, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सर 0 टू पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन आपका क्या आया, 0 टू पाई बाई 2 सिंपल सी dx का जो इंटीग्रेशन है x आया, क्या आया सर x। अब ये x में लोअर लिमिट अपर लिमिट को आपने पुट कर दिया, 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आया, i इज इक्वल्स टू फाइनली आपका पाई बाई 4, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का, जिस तरीके का क्वेश्चन भी है सर इसका एक 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 क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं दिखा दिया हूं, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारा क्वेश्चन आप लगा पाओगे सर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। वो हमारा है सिंपल सी ये क्वेश्चन जो कि आपका सैंपल पेपर में भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और इस तरीके का क्वेश्चन 0 टू पाई बाई 2 या पाई बाई 2 डेफिनेटली उसको ऐड करके पाई बाई 2 कैसे भी पाना है, चाहे वो लोअर लिमिट आपका जो होता है 0 टू पाई बाई 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट दे, और या तो फिर जो होता है सर आपका ऐसे दे दे पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। आपको पता है सर पाई बाई 2 6 अपर प्लस पाई बाई 3 कितना होता है सर पाई बाई 2 होता है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स बाई कॉस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स एन एक्स के बेसिस पे, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही इजीली बनेगा सिंपल सी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लेकर। ठीक है सर, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज वाला जो मैं आपको कराया हूं, नेक्स्ट वीडियोस में आपको लेके आऊंगा और भी कुछ इंटीग्रेशन का जो था इंपॉर्टेंट जो मॉड फंक्शन पे काम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सर इसको जो होता है प्रैक्टिस कीजिए घर पे जो होता है 4 डेज कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरा का पूरा जो होता है मेहनत कीजिए, 20 का एग्जाम जो होता है मेहनत का रंग लाएगा सर। ओके okay?